अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं मैथ सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले हमने जो है 19-20 का पेपर हल किए थे, आज हम 20 और 21 का पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, साल 2020 और 21 का पेपर हल करने वाली गलती हो गई है। ठीक है, साल 2020 और 2021 का सवालिया पर्चा जो है पिछले साल का जो हुआ था उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। आज पहले बच्चों पार्ट वन में हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्योंकि मैंने हम हर पार्ट में जो है 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी भी ना हो और आपको इत्मीनान के साथ तमाम चीजें समझाई जा सके। इसके लिए जब हर पार्ट में जो है सिर्फ 15 वीडियो ले रहे हैं, 15 सवालात ले रहे हैं। ठीक है, हमें सवाल नंबर एक देखेंगे। 1 से 3 के लिए ज़ैल के हर सवाल में पहले रुकन का दूसरे रुकन से जैसा ताल्लुक है, वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान में है, वो ताल्लुक ध्यान में रखकर सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल आएगा लिखिए। ठीक है, तो अगर पहले बच्चों गौर करेंगे तो ये जो AYC MOK DVF, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको तलाश करना है। ठीक है, तो मेरे जी अपोजिट फेज वाला क्वेश्चन है, हम देखेंगे हल करके। ये ABCDEF GH I J K L M, ठीक है, NOPQRST UV WX YZ, ठीक है। अब देखिए AYC, यहां तक AYC इस तरह से बन रहा है। ठीक है, फिर MOK इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहां पर A के बाद 2 छोड़ के D लिया है, DVF। ठीक है, तो हम M छोड़ के 2 लेंगे तो JRH। ठीक है, तो JRH का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो पहला जो अपोजिट फेस का जो लॉजिक है यहाँ पर जो वो लिया गया है, तो हमारा जवाब जो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों? बस लॉजिक पे ध्यान देना है, किस लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। AYBZ MOLN EUFV, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है हमको तलाश करना है। तो पहले बच्चे ये भी जो है अपोजिट फेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको, हल करेंगे। ABCDEF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब देखेंगे AY, तो ये AY हो गया, फिर BZ, ये BZ हो गया। ठीक है, उसके बाद MO, ये MO हो गया, फिर LN, ये LN हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे 2 छोड़कर, ये 2 गैप किया गया है, CRD गैप किया गया है, EU, ठीक है, और FV। ठीक है, तो 2 हम गैप करेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे, B के बाद ये 2 को छोड़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो ISHR, ठीक है, ISHR रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों अपोजिट फेस का ही है, इसको देखेंगे हम क्या लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसको यहाँ पर देखेंगे हम। ये लॉजिक तो आपको समझ गया क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, ये तुमने हमने इरेज कर दिया इसको। अब देखिए DWVUJQRSBYXW, उसके बाद है BYXW। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क जो क्या आएंगे हमको तलाश करना है। तो अगर पहले यहाँ पर गौर करेंगे हम तो DW देखेंगे, ये DW, ठीक है, अपोजिट फेज है। उसके बाद VU ये लिया गया है। ठीक है, इस तरह से
फिर जे क्यू आर एस, ये जे क्यू ठीक है, फिर ये वाले लिए आर एस, ये लिए गए ठीक है। इस तरह से अब देखें बी वाई एक्स डब्ल्यू, ये बी वाई ठीक है, ये एक्स डब्ल्यू ये वाला लिया गया, यानी जो लिया गया उसके एक छोड़कर लिया गया ठीक है। तो इसको एक छोड़कर हम लेंगे यहां पर, तो देखेंगे एल ओ पी क्यू ठीक है, देखो आ रहा है क्या एल ओ पी क्यू, हाँ ऑप्शन नंबर 3 है ठीक है, एल ओ पी क्यू। तो पहले अपोजिट फेस का है, इसके अंदर लॉजिक लिया गया, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है ठीक है। इस तरह से लॉजिक क्या दी गई है इसको हमको समझना है ठीक है, लॉजिक क्या दी गई है इसको हमको समझना रहेगा बस। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 के लिए देखेंगे, जैल के सवालात में सवालिया निशान की जगह तरतीबवार कौन सी शक्ल आएगी, यहां पर कौन सी शक्ल आएगी, ये मुतबादलात में से तलाश कीजिए। अब ये सवालिया शक्ल दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 की, यहां पर क्या आएगा जवाब शक्ल में से हमको तलाश कर दो। गौर करें यहाँ 2 नुकता है, यहाँ 3 नुकता है, यहाँ 4 नुकता है, यहाँ 5 नुकता है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 4 5 नुक्ता है और 6 जिले है, 4 नुक्ता है 5 जिले है, 3 नुक्ता है 4 जिले है, 2 नुक्ता है 3 जिले, 1 जिला बढ़ाकर दिया गया, तो आगे में 6 नुक्ते आएंगे ठीक है और 7 जिला आएगा। कहां पर है 6 नुक्ता 7 जिला, 2 4 6 6 ही है इसमें, इसमें 5 ही जिला है, 2 4 6 7 2 4 6 7 जिला पहले पहुंचे इसमें, इसमें 8 जिला है। देखो नुकात सब में सेम दिए हुए हैं, 6 6 नुकात, ठीक है वो 7 जिला लेना है, 6 नुकात और 7 जिला, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखो मैम यहाँ पर इसके में सबसे पहले यहाँ जो है घड़ी की सिमत में फिगर जो है घूम रही है ठीक है, देखो ये फिगर घूम के इस तरह भी, फिर ये फिगर घूम के जो है खड़ी हो जाएगी, ये फिगर घूम के आगे हो जाएंगे, तो ये फिगर घूम के बाद नीचे आ जाएंगे, ये फिगर घूम के कैसे आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे इस तरह से ठीक है, और इसका अंदर का जो चेंज कर दिया गया तो घूमने के बाद इधर आ जाएगा, तो ये घूमने के बाद प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा ठीक है, इधर आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा इस तरफ ठीक है, ये भरा हुआ पहाड़ इस तरफ है। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों दोनों जो यहाँ लाइन टेढ़ी है, यहाँ पर एक ही लाइन टेढ़ी है, फिर यहाँ पर पूरी सीधी होगी। अब यहाँ पर एक लाइन टेढ़ी है तो यहाँ पर 2 लाइन टेढ़ी कर देंगे हम ठीक है, 2 लाइन टेढ़ी कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 में 2 लाइन टेढ़ी है और उल्टा है ठीक है, यहाँ पर एक भी लाइन टेढ़ी तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा ठीक है, यहाँ एक ही लाइन टेढ़ी है वही देखें, हमको दोनों लाइन टेढ़ी है, एक यहाँ लाइन टेढ़ी है तो इसको हमको टेढ़ी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अब देखो पहले यहाँ पर नुकता है और नुकता यहाँ पर चेंज नहीं हुआ बल्कि ये चेंज हुआ, ये यहाँ पर आ गया ठीक है, अब यहाँ पर नुकता है और तो यहाँ पर नुकते के बाजू में ही यहाँ पर लाइन है ठीक है, यहाँ नुकते के सामने लाइन है, यहाँ नुकते के बाजू में लाइन है, यहाँ नुकते के सामने लाइन है, तो फिर जो यहाँ नुकता है फिर यहाँ नुकता, यहाँ नुकता, यहाँ नुकता, उसके बाद यहाँ पर नुकता आ जाएंगे ठीक है, यहाँ पर नुकता आ जाएंगे यहाँ से बना रहा और उसके सामने है, तो पैर बच्चों ये फिगर में जो है उसके बाजू में आ जाएगी, कहां पर आ जाएंगे उसके बाजू में ठीक है, नहीं बाजू में सामने दिया होगा ना, तो यहाँ सामने तो यहाँ बाजू में हो गया, फिर यहाँ सामने है तो यहाँ बाजू में, इस तरह की फिगर है, कहां पर दिख रही देखो, तो यहाँ पर, यहाँ पर फिर बच्चे यहाँ पर चेंज नहीं होगी, यहाँ पर यहाँ सामने है तो यहाँ भी सामने ही है ठीक है, तो यहाँ भी सामने ही रहेगी, यहाँ भी इसी तरफ रहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। जो ये नुकता सिर्फ जो है ये फिगर में दिया हुआ है बस, अगर आप लाइन नहीं भी देखेंगे तो हम नुकते के जरिए से ही सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल को तलाश कर लेंगे ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 9 की हिदायत, मुतफर्रिक रुकन पहचानिए, ऑड ऑड वन आउट, इसको कहते हैं ऑड वन आउट ठीक है, 101, 416, 208, 327, तो पहले अगर गौर करेंगे हम तो सिर्फ 101 जो पहले बच्चों ये देखिए ये मुरक्कब अदद है ठीक है, ये भी मुरक्कब अदद है, ये भी मुरक्कब अदद है ठीक है, सिर्फ 101 ऐसा अदद जो इसमें मुफरद है बस
ठीक है, तो वही हमारा जवाब रहेगा। मुफरद अदद का लॉजिक यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, कौन सा लॉजिक लिया गया है, मुफरद अदद का लॉजिक लिया गया है। अब एक सही 11/25, एक सही 13/36, 5 सही 3/16 और 5 सही 19/25। तो यहाँ पर पहले तो ये जो है मुरक्कब कसर ली हुई है, जिसको हम सादी कसर में बदलेंगे तो 25 का 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 36/25। ठीक है, नहीं मैं आज के अंदर इसको समझा है कि इसको इसको क्या करेंगे, 25 ज़र्ब 1 जमा 11 जाएगा 36। ठीक है, अभी 36 ज़र्ब 1 जमा 13 बराबर 49, ठीक है, 49/36, 49/36 और ये 25 है जी। 16 × 5 = 80 और 3 = 83, 83/16 25 × 125 = 19, 144 / 25, ठीक है, 144/25। तो फिर 144 ये 12 का मुरब्बा है, 49 7 का मुरब्बा है और 36 जो है ये 6 का मुरब्बा है, ये 6 का मुरब्बा है, ये 7 का मुरब्बा है और ये जो 12 का मुरब्बा है, ठीक है। नीचे 5 का मुरब्बा लिया गया है, 4 का मुरब्बा लिया गया है, 6 का मुरब्बा लिया गया और 5 का मुरब्बा लिया गया, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर 83 जो है सबसे अलग दिख रहा है मुझे, 83 जो है हम मुफरद अदद है, किसी का मुरब्बा नहीं है, तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8-9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ 425 है, फिर 325 है, फिर 225 है, फिर 825 हो गया डायरेक्ट। तो अगर गौर करिए मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो -100 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो -100 हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ जा रहे तो प्लस डायरेक्ट 600 हो जा रहे हैं, ठीक है, प्लस 600 हो जा रहे हैं। तो इस एतबार से अगर देखें हम तो 825 जो है इसमें ऑड लग रहा है, ठीक है, कोई और लॉजिक भी पैर बच्चे यहाँ बैठ सकता है, लेकिन मैंने जिस लॉजिक पर सोचा हूँ उस लॉजिक की बुनियाद पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 के लिए, ज़ैल के सवालात में हरफों का एक मखसूस ग्रोह दिया गया है, ग्रुप दिया है, इस ग्रुप में शामिल होने वाला मुनासिब मुतबादिल चुनिए, ठीक है। तो फिर गौर करिए, ए जेड सी एक्स बी वाई डी डब्ल्यू जी टी आई आर जे क्यू एल ओ। तो अगर गौर करेंगे तो ए जेड ये अपोजिट फेज है, इस पर से हमको समझ में आ जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो अपोजिट फेज वाला है, गौर करेंगे अभी ए जेड आ गया, ठीक है, सी एक्स आ गया, एक गैप किया गया, बी वाई आ गया यहाँ पर, ठीक है, डी डब्ल्यू आ गया, ठीक है, जी टी आ गया, आई आर आ गया, एक छोड़ कर लिया गया, जे क्यू आ गया, ठीक है, एल ओ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन में हमको ऐसा मुतबादिल तलाश करना है जो अपोजिट फेस में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, सी एक्स एफ यू। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर दो गैप हो जाए, देखो दो गैप हो जा रहे हैं, ठीक है, ये तो बैठेगा डी डब्ल्यू एस एच एस एच, यहाँ भी दो गैप आ रहा है प्यारे बच्चों, डी डब्ल्यू एस एच में दो गैप आ रहा है, ई वी जी टी ई वी जी टी यहाँ पर एक ही गैप आ रहा है प्यारे बच्चों, गौर करेंगे यहाँ एक ही गैप आ रहा है, एस एच एस ए ओ एल एच एस ये वाला ओ एल, यहाँ पर तीन गैप आ जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर एक ही गैप से लिया गया था, तो उस एतबार से प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों का आपको जो है अपोजिट फेज भी याद करना है, मुकामी नंबर भी याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बी डी एच एफ एल एक्स ई जे टी
ये 2 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, ये 24 नंबर, ये 5 नंबर पर, 10 नंबर पर, 15 नंबर, ठीक है, 20 नंबर पर, टी 20 नंबर पर आते हैं। तो 2 2 4, 4 2 8, 6 2 12, 12 2 24, 5 2 10, 10 2 20, तो ये इंटू टू जर्ब दो का लॉजिक लिया गया, ठीक है। अब सी का 6 नंबर आता है, 9 12, तो ये तो आने रहा है प्यारे बच्चों, डबल आने रहा इसके। डी 4 नंबर पर, ए 4 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, 4 2 8, 8 2 16, ये बैठ रहा है, ठीक है। आगे देख लेंगे, जे 10 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर, तो ये नहीं बैठ रहा, 10 2 20 तो बैठ रहा है, लेकिन 20 2 40 आना चाहिए, ठीक है, 20 2 आना चाहिए, 40 आना चाहिए, 8 16 24, 8 2 16, 16 2 32 आना चाहिए, ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं, ये भी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ग्रुप के अतबार से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बी डी जी ई जी ई जी पी एच पी वाई, तो बी का मुकाबला नंबर 2 है, डी का 4 है, जी का 7 है, ठीक है, ई का 5 है, जे का 10 है, पी का 16 है, एच का 8 है, पी का 16 है, वाई का 25 है। तो पहले जो गौर करें हम, ये दो जमा 4 जमा कर 1 करते हैं तो 7 आ रहा है, ठीक है, ये 5 जमा 10 जमा 1 करते तो 16 आ रहे हैं, 5 जमा 10 11, 10 5 जमा 10 15, 1 16, फिर 8 जमा 16 24 होगा, उसमें 1 मिलाएंगे 25, इस तरह 25 बढ़ रहे। अब याद करके 4 8 4 8 12, उसमें 1 मिलाएंगे 13 आना चाहिए, लेकिन एन 14 नंबर पर आता है, तो ये गलत हो जाएंगे। सी 3 नंबर पर आता है, एफ जो है 6 नंबर पर आता है, 3 6 9, 9 में 1 मिलेंगे 10, ठीक है, यहाँ 10 आना चाहिए, लेकिन 8 नंबर पर आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी 3 नंबर पर आता है, एफ जो है 6 नंबर पर आता है, 3 6 9, उसमें जमा 1 करेंगे तो बराबर जो 10 आएगा, और यहाँ पर जे का मुकामी नंबर 10 है, तो उस एतबार से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। 14 देख लेते हैं, 4 8 4 8 12 12 में 1 मिलाएंगे 13, ठीक है, 4 जमा 8 12, 1 मिलाएंगे 13, लेकिन के का मुकामी नंबर 11 है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 प्यारे बच्चों हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब है। लॉजिक समझ में आ रहा बच्चों, क्या लॉजिक इस्तेमाल है, अगर अल्फाबेट के मुकाबले नंबर आपको अच्छे से याद है, अपोजिट फेस आपको अच्छे से याद है, तो मेरे जब तक के जितने भी हमने सवाल हल किए हैं उसमें ज्यादातर अपोजिट फेस का लिया गया था और अल्फाबेट के मुकाबले नंबर का लिया गया था बस, ठीक है। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 से 15 के लिए, अजय महेश रैना ओमा सभी खिलाड़ी है, ठीक है, सभी कौन है खिलाड़ी, देखो अजय महेश रैना और ओमा खिलाड़ी है, महेश और ओमा कबड्डी नहीं खेलते, महेश और ओमा जो है तो कबड्डी कौन खेलेंगे, फिर कबड्डी रैना और अजय खेलेंगे, ठीक है, अजय फुटबॉल के अलावा दीगर सभी खेल खेलते हैं, अजय फुटबॉल के अलावा, अजय जो है फुटबॉल के अलावा सभी खेल खेलते हैं, ठीक है, तो अजय प्यार बच्चों जैसे खो खो उसके बारे में, खो खो तो अजय खो खो भी खेलेंगे, ठीक है, और यार एक ऑप्शन बैडमिंटन का दिया हुआ है, बैडमिंटन, ठीक है, तो बैडमिंटन भी खेलेंगे, अजय फुटबॉल के अलावा तमाम खेल खेलता है, ठीक है, फुटबॉल नहीं आएगा, तो महेश जो है फुटबॉल भी खेलेगा, महेश जो फुटबॉल भी खेलेगा और ये भी फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, ये भी फुटबॉल खेलेंगे, और बैडमिंटन प्यारे बच्चों सिर्फ जो है जैसे अजय जो है तमाम खेल खेल रहा है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अजय फुटबॉल के अलावा दीगर सभी खेल खेलता है, ठीक है, ओमा रैना खो खो नहीं खेलती, ओमा और रैना जो है खो खो नहीं खेलती, तो ये खो खो खेलेगा, ठीक है, महेश, और बैडमिंटन के बारे में बच्चों क्या दिया है, बैडमिंटन के बारे में, बैडमिंटन यहाँ पर दिया ऑप्शन में, तो गौर करें हम तो बैडमिंटन तमाम प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि बैडमिंटन का ताल्लुक उसको दिया नहीं सवाल के अंदर, बैडमिंटन जो है वो तमाम लोग खेलेंगे, ठीक है, फुटबॉल खो खो बैडमिंटन
अब सवाल देखेंगे कौन सा खेल तमाम खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, तो अगर गौर करेंगे मेरे बच्चों, तो जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, तो अजय फुटबॉल नहीं खेलता। ठीक है, अजय जो फुटबॉल नहीं खेलता है, अजय फुटबॉल के अलावा दीगर सभी खेल खेलता है, तो यहाँ तो अजय कट हो गया। ठीक है, और क्या है, महेश और ओमा कबड्डी नहीं खेलते, तो महेश ओमा भी कट हो गया। ठीक है, महेश और ओमा भी कट हो गया, तो कौन सा बचा है, अजय, महेश, ओमा। तो रहना प्यारे बच्चों तमाम खेल खेलेगा। ठीक है, रहना जो है तमाम खेल, कौन सा खेल तमाम खिलाड़ी खेलते हैं, सॉरी कौन सा खेल तमाम खिलाड़ी खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों बैडमिंटन ये भी खेल रहे, बैडमिंटन ये भी खेल रहे, बैडमिंटन ये भी खेल रहे, बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, कबड्डी खेलने वाली खिलाड़ी कौन है, कौन से है। तो कबड्डी जो है प्यारे बच्चों गौर करेंगे तो महेश और ओमा कबड्डी नहीं खेलते, तो रैना आएगा और अजय आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन रैना अजय कहाँ पर है, अजय और रैना ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 15 कौन सा खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेलता है। तो अगर गौर करें बच्चों तो ओमा जो है सिर्फ 2 खेल यहाँ खेलते हैं, बता रही है बस। ठीक है, ओमा जो है सिर्फ 2 खेल खेलते हैं बता रही है यहाँ पर, तो ओमा के ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, इस तरह मैंने जो लिख कर जो इस क्वेश्चन को हल करना है, तो यहाँ पहुंच कर पहले हमारा पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अब आइंदा जब पार्ट 2 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।